नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, हमें कीर्ति लेकर हाजिर हूं। इस वक्त की बड़ी खबर और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई सामने आ रही है। तो पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर आज अहम आरक्षण सूचियों पर दर्ज आपत्तियों का होगा निपटारा। जिलाधिकारी को निपटारा करके भेजनी है अंतिम सूची, तो राज्य चुनाव आयोग को भेजनी है आरक्षण सूची। तो पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। आज पंचायत चुनाव को लेकर जो आरक्षण सूची जारी हुई थी, आज उस पर आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा और अंतिम सूची तैयार करने की जिम्मेदारी होगी। तो निपटारा कर राज्य आयोग को भेजनी है आरक्षण की सूची। निपटारे के बाद राज्य चुनाव आयोग को अंतिम सूची भेजी जाएगी। वही अगली बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से सामने आ रही है। झुक्की झोपड़ियों में लगी भीषण आग, कई झोपड़ियां जलकर हुई राख, कई लोगों के आग में फंसे होने की आशंका, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां झुग्गी झोपड़ियों में आग लग गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी भयानक आग लगी हुई है झुग्गी झोपड़ियों में। हालांकि इस आग में कई लोगों के फंसे होने की भी खबर सामने आ रही है। दमकल की गाड़ियां लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है लोगों का। वही इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ शमशाद जुड़ चुके हैं। शमशाद जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी किस एरिया की ये झुग्गी झोपड़ियां हैं जहां पर ये आग लगी और किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी फिलहाल जारी है। बिल्कुल के बता दिए, पूरा मामला लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर सुबह लगभग 8 बजे के आसपास शॉर्ट आग लगती है और सिलेंडर ब्लास्ट होता है, जिसके बाद देखते ही देखते जो यहां लगभग 600 से 700 के आसपास झोपड़ पट्टी पड़ी है, उसमें से 350 से 60 झोपड़ पट्टी जलकर पूरी तरीके से खाक हो जाती है। जी, कितने लोग इस आग में फंसे हुए हैं अभी, इसकी क्या खबर सामने आ रही है और किन लोगों को बचाया गया है? आप जिस व्यक्ति से फिलहाल के लिए हमारी इस बड़ी खबरों में बस इतना ही। आपका ही मजा आएगा। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।